एक इतिहास है दर इज अ क्रोनोलॉजी इन हिस्ट्री आप याद कीजिए पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री 10 मई 1951 फिफ्टी वन इक्यावन उन्नीस सौ इक्यावन टेंथ मई नाइनटीन हिंदुस्तान का पहला अमेंडमेंट हिंदुस्तान के संविधान का जो पहला संशोधन होता है वो संशोधन क्या था द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट किया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच को यह पहला संशोधन प्रथम संशोधन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतवर्ष का आप सोच के देखिए भारतवर्ष की उस समय एक इंटरिम सरकार चल रही थी इलेक्शंस भी नहीं हुए थे मगर एक इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा पहला संशोधन यह किस प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाए उसको लेकर था इंदिरा गांधी 25 जून 1975, सेवेंटी जून 1975 डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी इतिहास में हिंदुस्तान के लिए एक काला धब्बा बना था जब इमरजेंसी लागू इंदिरा गांधी ने किया था और लाखों पत्रकारों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था संपादकीय तक पत्रकार लिख नहीं पाते थे पुलिस बैठकर देखती थी वहां पर कि संपादकीय में कहीं इंदिरा गांधी के विरोध में कुछ लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। मीसा कानून के अंतर्गत न जाने आप में से आप में से कई लोग यंग पत्रकार यहां बैठे हैं आप में से कितने के पिताओं के ऊपर कितने के दादाओं के ऊपर कितनों के जानकारों के ऊपर कितने ही पत्रकारों के ऊपर ढाया गया मीसा कानून के अंतर्गत इस विषय से भी हिंदुस्तान वाकिफ है राजीव गांधी ट्वेंटी अगस्त नाइनटीन डिफेमेशन बिल नाइनटीन आप याद करिए उस समय बोफोर्स चरम पर था कुछ ऐसे पत्रकार थे जाबाज पत्रकार में कहूंगा उनको और कुछ ऐसी पत्रकारिता थी जिन्होंने बोफोर्स को बड़े स्पष्ट रूप से उजागर किया था द स्टोरी ऑफ बोफोर्स एंड ब्राइब किस प्रकार से भ्रष्ट और भ्रष्ट नेता बोफोर्स में लिप्त थे राजीव गांधी जी के इस चरित्र को उजागर करने का काम कुछ बहुत बड़े अखबारों ने किया था उनको लेकर जिस प्रकार एक डिफॉर्मेशन कानून लाने का प्रयास 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने किया था कानून ले भी आए थे मगर हिंदुस्तान के इतिहास का वो पहला कानून बना जिसको वापिस लेना पड़ा क्योंकि पत्रकार जगत एक होकर खड़ा हो गया देर वॉज यूनिटी अमोंग द मीडिया पीपल सारे मीडिया के लोग एक होकर खड़े हो गए जाग उठे हिंदुस्तान जाग उठा और अंत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव गांधी को डिफॉर्मेशन बिल 1988 वापस लेना पड़ा जिसमें उन्होंने सोचा था कि जो गांधी परिवार के खिलाफ या उनके खिलाफ लिखेगा उसे सजा दी जाएगी राहुल गांधी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं लिस्ट तो आपने जारी की है क्या यह लिस्ट मुहब्बत की दुकान की लिस्ट है समान नफरत का और दुकान मोहब्बत का ऐसा तो कभी नहीं हो सकता यू हैव शोन योर कंटेम्प्ट अगेंस्ट मीडिया हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी दैट इज मीडिया मीडिया के प्रति जिस प्रकार का नफरत आपने प्रदर्शित किया है मैं आपसे आप पूछना चाहता हूं क्या यह मोहब्बत की दुकान कदाचित नहीं मित्रों जब ये नेता सवाल पूछते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जब सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमें सबूत चाहिए जब कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता ये सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक फर्जी था आप हमें सबूत लाके दिखाइए अस दी एविडेंस जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूछते हैं कि भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए बताओ इस कमरे में पैदा हुए या उस कमरे में पैदा हुए जब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आज घमंडिया अलायंस में है उसके नेता पूछते हैं भगवान राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की बताइए जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक है जायज है इनको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो आंकड़े गलत थे सही आंकड़े ये है क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी आज विश्व में एक रिकॉर्ड नहीं कायम कर रही क्या जी ट्वेंटी सफल हुआ या नहीं हुआ अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडी अलायंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं बॉयकॉट करने वाले पत्रकार आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए